हाय फ्रेंड्स, मैं अमित जैन, आईटी ब्रिज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सुबह सुबह मॉर्निंग में कंप्यूटर ऑन करते हो या कभी भी दिन में भी कभी कंप्यूटर ऑन करते हो और आपके सिस्टम में प्रॉब्लम आती है कि विंडोज फेल टू स्टार्ट, ए रिसेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चेंज माइट बी द केस टू फिक्स द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम आपके सिस्टम में डेस्कटॉप या लैपटॉप में आपको मिलती है, चाहे आपके सिस्टम में विंडोज 10 हो या विंडोज 7 हो, यह प्रॉब्लम आपके सिस्टम में आती है तो आप देख के परेशान हो जाते हो कि अब क्या करें। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा, ये प्रॉब्लम आपके सिस्टम में क्यों आती है, इसके क्या कारण है और इसके सॉल्यूशन क्या होंगे। आज इस वीडियो में यही सब कुछ होने वाला है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना क्योंकि मैं पहले इसका कारण समझाऊंगा ताकि आपके सिस्टम में ये प्रॉब्लम दोबारा से नहीं आए। अगर आप कारण समझ लोगे तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आपके सिस्टम में दोबारा नहीं आए या फिर कम आए। इसलिए दोस्तों, बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देखना। तो फिर चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपके सिस्टम में विंडोज फेल टू स्टार्ट वाली प्रॉब्लम आती है तो इसके प्रॉब्लम के क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं दोस्तों। सबसे पहला रीजन हो सकता है कि आपके सिस्टम में कोई लेटेस्ट अपडेट आया हो, उस कारण से भी कई बार बूट फाइल करप्ट हो जाती है, उस कारण से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। या फिर सिस्टम के अंदर कोई वायरस या मालवेयर आ गया हो तो भी प्रॉब्लम आ जाती है। या फिर सिस्टम के अंदर हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम हो, उसके अंदर बैड सेक्टर आ गए हो तो भी प्रॉब्लम आ जाती है। या फिर सिस्टम की बूट फाइल क्रैश हो गई हो जिसके कारण भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, या हार्ड डिस्क खराब हो गई हो, डिटेक्ट नहीं कर पा रही हो प्रॉपरली, या हार्ड डिस्क की केबल्स साटा केबल में कोई दिक्कत हो तो भी प्रॉब्लम आ जाती है। इस तरीके से मेनी ऑफ रीजंस होते हैं इन प्रॉब्लम्स के। तो अपन को स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है कि आपके सिस्टम में क्या प्रॉब्लम हुई है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके लिए आपको करना है कि आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप अगर आप ओपन कर सकते हो तो उसको ओपन करके उसकी हार्ड डिस्क की केबल, जो साटा केबल होती है और पावर केबल होती है, डेटा केबल और पावर केबल दोनों को निकाल के साफ करके दोबारा से उसको प्लग इन कर दीजिए एक बार के लिए। और फिर उसके बाद आप सिस्टम को चेक कीजिए उसके बायोस में कि वो हार्ड डिस्क डिटेक्ट कर रही है नहीं कर रही। मैं आपको इस डेस्कटॉप में चेक करके बताता हूँ कि आपको कैसे चेक करना है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप गूगल कर लीजिएगा कि आपके लैपटॉप में बायोस में जाने की कौन सी है, क्योंकि HP, Lenovo, Dell सबकी अलग अलग की होती है, F9, F10, F12 सबकी अलग अलग होती है। तो उस हिसाब से आप गूगल करके कंफर्म कर लीजिए और फिर उसके बाद उस की से आप उसकी बायोस के अंदर जाइए, और सबकी बायोस भी अलग अलग तरह की होती है। बायोस में जाने के बाद आप उसको उस बायोस में सबसे पहले ये चेक कीजिए कि हार्ड डिस्क आपकी डिटेक्ट हो रही है या नहीं हो रही। और हो रही है अगर आपकी हार्ड डिस्क डिटेक्ट तो बूट प्रायोरिटी फर्स्ट के ऊपर है कि नहीं है, कहीं दूसरी हार्ड डिस्क या और कोई अदर पेन ड्राइव बूट प्रायोरिटी में तो नहीं है फर्स्ट पे। तो मैं चेक करके बताता हूं आपको। मैं इसको कंट्रोल ऑल डिलीट का बटन दबा रहा हूं, दोबारा सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा है और डेल का बटन प्रेस कर रहा हूं क्योंकि इसका डेल की से ही ये बायोस में जाता है। दोस्तों, ये बायोस में आ गया है। अब मैं सबसे पहले इसके हार्ड डिस्क चेक करूंगा। तो आईडी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे अपन, एंटर मारो। अब दोस्तों, इसके अंदर ये देखो हार्ड डिस्क तो ये डिटेक्ट कर रहा है सेकेंडरी आईडी स्लेव पे, और इसके अंदर 160 GB की हार्ड डिस्क लगी हुई है अभी, तो ये हार्ड डिस्क डिटेक्ट कर रहा है। और मैं इसमें आगे चेक करता हूँ कि बूट प्रायोरिटी कैसे है इसके अंदर, बूट डिवाइस प्रायोरिटी इसके अंदर जाते हैं तो यही हार्ड डिस्क दिखा रहा है जो इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, जो लगी हुई है, जो डिटेक्ट हो रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखा रहा। तो इस तरीके से दोस्तों, इसके अंदर हार्ड डिस्क डिटेक्ट भी हो रही है और बूट प्रायोरिटी फर्स्ट पे भी है, ठीक है। तो इसका मतलब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं F10 करके इसको सेव कर रहा हूँ, देन ओके पे एंटर किया मैंने और ये सिस्टम वापस से रिस्टार्ट हो गया और वापस से वही प्रॉब्लम इसमें आ रही है, ये देखो। इसके बाद दोस्तों, आपका जो भी सिस्टम है, विंडोज 7 है इंस्टॉल्ड है या विंडोज 10 है या 8 है, उसकी बूटेबल पेन ड्राइव आपके पास होनी चाहिए। आप बूटेबल पेन ड्राइव के लिए आप वीडियो देख लीजिए और किस तरीके से बनाते हैं और वो
पेन ड्राइव आप बना लीजिए, और बनाने के बाद जैसे मेरे इसमें विंडोज 7 है, मैं विंडोज 7 की बूटेबल पेन ड्राइव यूज में ले रहा हूँ, मैं इससे बूट कराऊंगा। पहले मैंने पेन ड्राइव लगा ली है और वापस मैं इसके बायोस में जा रहा हूँ डेल का बटन प्रेस करके, और इसके अंदर बूट के अंदर गया मैं, और इसकी बूट डिवाइस प्रायोरिटी के अंदर ये फर्स्ट डिवाइस इसने स्कैन डिस्क वाली मेरी पेन ड्राइव को ही ले लिया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, F10 करके मैं ओके कर लिया मैंने, और मैं उससे विंडोज 7 वाली पेन ड्राइव से बूट करा रहा हूँ सिस्टम को। ये बूट हो रहा है, दोस्तों ये सिस्टम बूट हो गया है पेन ड्राइव से। अब मैं इसको यहाँ पे इंग्लिश इंडिया कर देता हूँ, देन इसके बाद नेक्स्ट कर दिया मैंने। देन इसके अंदर दोस्तों आ रहा है रिपेयर योर कंप्यूटर, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे इस पर क्लिक किया, और ये कुछ प्रोसेस चल रही है सिस्टम रिकवरी ऑप्शन, और ये आ रहा है विंडोज फाउंड प्रॉब्लम विथ योर कंप्यूटर्स स्टार्टअप ऑप्शन, डू यू वांट टू अप्लाई रिपेयर एंड रिस्टार्ट योर कंप्यूटर। रिपेयर एंड रिस्टार्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये कंप्यूटर रिपेयर होकर रिस्टार्ट होगा। मैंने क्लिक कर दिया है और कंप्यूटर वापस से रिस्टार्ट हो रहा है। पेन ड्राइव का ऑप्शन आ रहा है लेकिन मैं इससे बूट नहीं कर रहा हूं। दोस्तों मुझे इसके अंदर, मुझे पता नहीं था कि इसके अंदर विंडोज 10 है या विंडोज 7 है, लेकिन ये प्रॉब्लम आ रही थी, मेरे पास 7 की बूटेबल थी उससे ही रिपेयर किया है। दोस्तों इसमें फिर भी प्रॉब्लम आ रही है आगे बूट होने में, मैं कुछ और कमांड्स बताता हूँ, अपन सिस्टम को वापस से बूटेबल से बूट करेंगे। मैं इससे बूट कर रहा हूँ और मैं हार्ड डिस्क से रिलेटेड दो तीन आपको कमांड बता देता हूँ, वो विंडोज 10 हो या विंडोज 7 वो कमांड आपकी काम करेगी उसके अंदर भी। दोस्तों ये बूट हो गया है, अपन इसको इंग्लिश इंडिया कर देंगे, देन नेक्स्ट। इसके बाद दोस्तों यहां पे अपन को दबाना शिफ्ट प्लस F10 और ये कमांड प्रॉम्प्ट आ गया है यहाँ पे। इसके बाद अपन को कुछ कमांड्स देनी है, यहां पे अपन लिखेंगे बूटट्रैक स्पेस स्लैश फिक्स बूट, द ऑपरेशन कंप्लीटली सक्सेसफुली लिखा हुआ रहा है। इसके बाद अपन को दूसरी कमांड देनी है बूटट्रैक स्पेस फॉरवर्ड स्लैश देन फिक्स MBR, ये मास्टर बूट रिकॉर्ड को रिपेयर करता है। ये भी द ऑपरेशन कंप्लीटली सक्सेसफुली आ गया है। देन इसके बाद अपन को बूटट्रैक स्पेस स्लैश स्कैन OS, ये थोड़ा सा टाइम लेता है कमांड, ये भी सक्सेसफुली हो चुका है। इसके बाद अपन को एक और कमांड देना है बूटट्रैक रिबिल्ड VCD, देन एंटर, ये भी कंप्लीटली सक्सेसफुली हो गया है। इस तरीके से दोस्तों ये मैंने चार कमांड बताई है जो कि हार्ड डिस्क से रिलेटेड है, ये इसकी बूट फाइल और उससे सिस्टम फाइल सारी फाइल्स को रिपेयर कर देता है, ट्रैक को सही कर देता है, इसके अलावा कॉपी कर देता है सारी फाइल्स को। देन इसके बाद अपन को लिखेंगे EXIT एग्जिट और देन एंटर, उसके बाद यहाँ पे वापस क्रॉस करना है, देन यस, और सिस्टम वापस से रिस्टार्ट होगा। अगर इसमें हार्ड डिस्क से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों मेरी विंडो प्रॉपरली रिकवर नहीं हो पाई है, तो इसके अंदर मेरे जो हार्ड डिस्क के अंदर है प्रॉब्लम ज्यादा थी, इसके अंदर इसकी पूरी बूट फाइल टोटली क्रैश हो चुकी है,
इसकी विंडोज की फाइल्स भी क्रैश हो चुकी है, इस चक्कर से ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो पाया है। लेकिन आपके केस में ये जरूरी नहीं कि इस तरीके से हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो जाए जो मैंने कमांडें बताई है। अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो तो फिर आपको विंडो दोबारा से फॉर्मेट करके इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर हो जाएगा। अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है तो दोस्तों आपकी हार्ड डिस्क के अंदर वेरिफिकेशन आ गए हैं या फिर हार्ड डिस्क के अंदर कोई प्रॉब्लम है जिस कारण से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। आप विंडो इंस्टॉल करने की कोशिश करते हो और विंडो इंस्टॉल भी नहीं हो पाती है तो हार्ड डिस्क के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और विंडो इंस्टॉल हो जाती है और विंडो इंस्टॉल होने के बाद भी बार बार प्रॉब्लम आती है, क्रैश हो जाती है, तो हार्ड डिस्क के अंदर ही प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर। तो इस तरीके की प्रॉब्लम दोस्तों हार्ड डिस्क से रिलेटेड ही होती है, उसके अंदर बूटिंग फाइल या हार्ड डिस्क क्रैश होने के कारण आती है। और इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। अगर फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाता है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि मेरी ये प्रॉब्लम ऐसे थी और ये सॉल्यूशन नहीं हो पाया है, तो मैं रिप्ले करने की कोशिश करूंगा। और ज्यादातर दोस्तों ये हार्ड डिस्क के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती है, आपका सिस्टम अचानक से बंद हो जाता है, उस कारण से आती है। तो अपन लैपटॉप में तो बैटरी होती है लेकिन डेस्कटॉप के अंदर बैटरी भी नहीं होती, तो इसलिए डेस्कटॉप के अंदर आप UPS लगा के रखें ताकि लाइट का सिचुएशन आए या लाइट अचानक से चली जाए तो फिर आपका सिस्टम में बैकअप हो तो आप उसको प्रॉपरली सेट डाउन कर सकते हो, तो आपके सिस्टम में झटका नहीं लगेगा और हार्ड डिस्क क्रैश नहीं होगी। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।